अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस सेशन के अंदर लेक्चर रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें करेंगे, इफ़ेक्टिव वे के अंदर कैसे किए जा सकते हैं। लेक्चर रिकॉर्डिंग के लिए जितने भी आपके पास रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होंगे तो वो स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ टूल्स ऐसे हैं जो आपको कैमरे का व्यू भी देते हैं, कैम व्यू भी दे देते हैं। एक सिंपलेस्ट टूल डिस्कस करने लगा हूँ मैं आपसे, जूम को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। जूम आप डाउनलोड करेंगे, ब्राउज़र में लिखेंगे जूम और वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जैसे वो डाउनलोड होगा आपको साइन इन विद गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। आई नाउ इट इज़ मीटिंग ऐप। आपने यहाँ पे अपने ईमेल आईडी एंटर करनी है और फिर आपने क्लिक कर देना है लॉन्च जूम के ऊपर। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपने क्या करना है, न्यू मीटिंग स्टार्ट कर देनी है। न्यू मीटिंग स्टार्ट करेंगे जैसे ही आपका कैम का व्यू आ जाएगा। अब इसमें जो ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो, अब आपने किसी को इनवाइट नहीं करना क्योंकि आप अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें आप वाइट बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस फाइल को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ तो मैंने इस पर क्लिक किया और इसको शेयर कर दिया। ये अब आपका व्यू है। इस व्यू को आप क्या कर लें, अपनी मर्ज़ी से जहाँ आपने सेट करना कर लें। और उसके बाद आप क्या करें, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें। इसके लिए शॉर्टकट की आपके पास क्या है, आल्ट आर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है तो इसके दौरान आपने किसी चीज़ को हाईलाइट करना है या एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे और इसको आप मूव भी कर सकते हैं, इसको जहाँ आप रखना चाहें। मैंने ये इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, ये सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। जब आपने किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना ख़त्म कर दिया तो आप क्या करें, इसको आप क्लोज़ करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। आपको वाइट बोर्ड की ज़रूरत है तो वाइट बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग आपकी ख़त्म करना चाहते हैं, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लें, स्टॉप करेंगे, स्टॉप हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, मीटिंग ख़त्म करनी है। एंड मीटिंग पे क्लिक कर दें। जैसे आप एंड मीटिंग क्लिक करेंगे ये मीटिंग एंड हो जाएगी और ये ऑटोमेटिकली आपकी फ़ाइल क्रिएट कर देगा। अभी मैं आपको इस फाइल को चला के भी दिखा दूंगा जो फाइल हमने अभी बनाई है। जब आप इसको प्ले करेंगे इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आएगी, जो चीज़ आपने रिकॉर्ड की है सिर्फ वही जो शेयर कर रहे थे आप। इट इज़ द सिंपलेस्ट रिकॉर्डिंग मेथड। स्टार्ट हो गई, क्रिएट करना है ये एक्सप्लेन, ये देखें, ये जो चीज़ आपने एक्सप्लेन की है वो सारी की सारी देखें। रिकॉर्डिंग आपकी खत्म करना चाहते हैं आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लें। ठीक है,